जय हो। सुख और दुख ये दोनों बातें आपके अंदर ही चल रही होती हैं। अगर आप सुख ढूंढना चाहते हो तो वो भी आपके अंदर ही है और दुख भी। आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है कि एक शहर में बड़ा ही अमीर सेठ रहा करता था, बहुत पैसे वाला होता था वो, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहता था मनी मन में। एक दिन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा दुखी हुआ तो उसको किसी ने बताया कि यहीं पास में ही एक कोई ऋषि की कुटिया है, वहां आप जाएं, वो आपके दुख का निवारण करने के लिए उपाय बता देंगे। सेठ ने वैसे ही किया, ऋषि के पास गया और अपनी सारी समस्या वहां ऋषि को बता दी। ऋषि ने सेठ की बात को बड़े ध्यान से सुना और बाद में उसने सेठ जी से कहा कि तुम इसी वक्त कल फिर आना, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल जो है कल ही बता पाऊंगा। सेठ बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह फिर ऋषि के पास आया तो उसने देखा कि ऋषि महोदय रास्ते पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े व्यस्त हैं कुछ ढूंढने में। सेठ जी ने ऋषि से पूछा कि महाराज आप क्या ढूंढ रहे हैं? ऋषि बोले, मेरी एक अंगूठी गिर गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूं, लेकिन काफी देर हो गई लेकिन अंगूठी मिल नहीं रही है। यह सुनकर वह सेठ भी अंगूठी ढूंढने में लग गया। जब काफी देर हो गई दोनों को ढूंढते ढूंढते, सेठ जी ने फिर पूछ लिया, महाराज आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? ऋषि ने जवाब दिया कि मेरी अंगूठी मेरे आश्रम में गिरी थी, पर वहां काफी अंधेरा है इसलिए मैं यहाँ सड़क पर ढूंढ रहा हूं। सेठ ने चौंकते हुए पूछा कि जब आपकी अंगूठी आश्रम में गिरी थी तो आप यहां क्यों ढूंढ रहे हैं इसको सड़क पर? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। खुशी तो मन में छुपी है तुम्हारे, लेकिन तुम उसे धन में खोजने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। यह सुनकर सेठ ऋषि के पैरों में गिर गया। तो सच तो यही बात है कि हम लोगों पर भी ऐसा ही कुछ लागू हो रहा है जीवन पर, कि पैसा इकट्ठा करने के बाद भी इंसान खुश नहीं रहता, क्योंकि हम पैसा कमाने में इतना मगन हो जाते हैं और अपनी खुशी आदि सब कुछ भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि समस्त ब्रह्मांड हमारे इस शरीर के ही अंदर विद्यमान है, जबकि हम जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। सत्य बोलना, परोपकार करना, अच्छी सोच रखना बहुत बड़ा सुख है, लेकिन हम सही जगह अपनी खुशियां ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। सागर हमारे सामने है और हम हाथ में चम्मच लिए प्यासे खड़े हैं। केवल पैसा कमाना ही सुख नहीं है, अच्छे कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो और हमेशा दूसरों के हित में सोचो, फिर देखो जो आपको मिलेगी वो अतुलनीय होगी खुशी। यही आपको शिक्षा इस कहानी से लेनी चाहिए। जय हो, आपका दिन मंगलमय हो, जीवन खुशियों से भरे और चारों तरफ आनंद ही आनंद की बरसात हो। बस रियाज मत छोड़ना, उठो जागो रियाज करो। जय हो।